अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। हमने स्टार्ट किया हुआ था लास्ट टाइम, मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आपने 7.1 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस करने, किस टाइप के एंगल्स को डिस्कस करना है, इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफली मैंने आपको बता दिया था। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट। तो आप लोगों ने 7.1 का आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप लोग स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो उन्होंने आपके पास एक इस टाइप की डायग्राम बना के दी हुई है, ठीक है, और उन्होंने आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन राइट किया है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। हमने जो एंगल फाइंड करना है वो है आपके पास पी क्यू एंड आर। इस साइन का मतलब आपके पास क्या होता है कि आपने एंगल फाइंड आउट करना है पी क्यू एंड आर का, ठीक है। पी क्यू आर मतलब एक ही एंगल इनका होगा, जो कि हम ये सेंटर में जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट लिखा होता है उसके ऊपर जाके हम वो एंगल्स का, जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा हो वो लिख देते हैं। पी के ऊपर नहीं लिखते, आर के ऊपर नहीं लिखते, जो भी सेंटर वाला अल्फ़ाबेट होता है वहाँ पे जाके हम उसका एंगल राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने पी क्यू और आर का एंगल फाइंड करना है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप की डायग्राम गिवन है और इसमें आपके पास पैरेलल लाइन कौन सी है, इसके अलावा इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट क्या हो रही है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशंस गिवन हैं उसके मुताबिक हम कैसे इस क्यू एंगल का, पी की वार का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये टू लाइन्स हैं, अगर आप इस वाली लाइन को भूल जाएँ तो आपके पास ये जो कि टू लाइन्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पैरेलल लाइंस हो गई दोनों, और ये जो आपके पास इन दोनों के कट कर रही है जो लाइन इन दोनों को, वो आपके पास है ट्रांसवर्सल। सबसे पहले आप लिख लें कि आपके पास पी क्यू पैरेलल है, ये साइन आपके पास पैरेलल का होता है, ठीक है, क्योंकि टू लाइन्स भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को कट नहीं कर रही होती हैं। तो अगर आप लोगों ने लिखना हो कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल का साइन लगा देते हैं पी क्यू, पी क्यू, और दूसरी लाइन कौन सी है आर एस, ये आपके पास क्या है पैरेलल लाइंस। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने एरो का साइन लास्ट पे लगाया हुआ है। हम जब भी लाइंस लगाते हैं तो आप लोगों ने ऊपर लाजमी इंडिकेट करना होता है कि ये आपके पास लाइंस हैं जो कि एरो पे जाके एंड हो रही है। कई लाइंस आपके पास ऐसी होती हैं जो कि एरो पे एंड नहीं हो रही होती, हम उन्हें जस्ट इस फॉर्म में लिख देते हैं कि पी क्यू सिंपल लाइन, ठीक है। तो आप लोगों ने एरो के साथ लिखना है आप इन लाइंस को। उसके बाद आप देख लें आपके पास इधर क्या गिवन है, क्यू आर, जो कि क्या है ट्रांसवर्सल है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि क्यू आर इज ट्रांस वर्सल, ठीक है, क्यू आर आपके पास ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, ओके, ठीक है, ये आपके पास हो गया जी ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है जी आपके पास, यहाँ पे आप चेक किए ये भी कर लें कि यहाँ पे मैंने एरो नहीं लिखा। एरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये देखें इन दोनों के एज पे, मतलब इन दोनों ये जो लाइन है इसके दोनों साइड्स पे कहीं पे भी एरो नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर भी एरो नहीं लगाया। इसके अलावा आपके पास ये एंगल गिवन है, ये एंगल आपके पास है 90 का। अगर आपके पास कहीं पर भी, जैसे कि आपके पास कोई भी अगर ट्राइंगल है, मैं चले ट्राइंगल ले लेती हूँ, एक इस टाइप की ट्राइंगल होती है, तो आपके पास ये इसके एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप की ट्रायंगल है और यहाँ पे इस तरह का बॉक्स की फॉर्म में उन्होंने कहा है कि ये एंगल लिखा हुआ है, तो आपके पास पता होता है कि ये आपके पास होता है 90 डिग्री का एंगल। कौन सा होता है 90 डिग्री का, इसका मतलब है कि ये आपके पास है 90 का एंगल। क्यों, कौन सा एंगल ये बन रहा है, क्यू आर एस, जिस तरह इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपने ये फाइंड करना है, इसी तरह आपने इसको भी लिखना है क्यू आर एस, क्योंकि एंगल जिसके ऊपर लिखा होता है वो वेरिएबल मिड में आता है और उसके आसपास वाले वेरिएबल साइड्स पे आते हैं। एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके।
अब हमने फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर. अब आप लोगों को पता है कि टोटल जो सर्कल का आपके पास एंगल होता है वो होता है 360. ठीक है, टोटल अगर सर्कल है तो उसका एंगल जो होगा वो टोटल का 360 होता है. और ये जो हाफ़ अगर मैं इसका कर दूं तो इतने वाले जो पोर्शन का एंगल होता है वो आपके पास 180, और नीचे वाले का भी आपके पास होता है 180, फिर आपके पास 180 360 हो जाता है. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास ये वाली साइड का हमने एंगल फाइंड करना है. आप इसको कॉपीज पे जब भी कहीं पे भी करेंगे तो इसको थोड़ा सा साइड चेंज करके अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास इस फॉर्म में, मतलब कि ये इस फॉर्म में ये एंगल्स बन रहे हैं. अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ, इसको इस तरफ कर दूँ, तो आपके पास ये एंगल्स बन जाएंगे. ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये आपके पास ऊपर वाली एरिया बन गया, मतलब कि ये ऊपर वाला एरिया बन गया. ऊपर वाले एरिया का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री. तो आपके पास एक एंगल गिवन है और 180 भी हमें पता है होता है, तो हम इसका दूसरा एंगल इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट एंगल क्यू आर एस प्लस मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैंने ये कैसे लिख दिया, मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो आपके पास ऊपर वाला एरिया है, ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को अगर मैं इन दोनों के एंगल्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास 180 टोटल बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का फिक्स एंगल है जो कि आपके पास 180 होता है. ठीक है, 180 फिक्स है, इसलिए मैंने 180 डिग्री लिख दिया. अब ये कहाँ से आ गए, क्यू आर एस क्या है, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन अगर आपने की है इसकी तो आप चेक कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू और आर एस. ठीक है, इसी फॉर्म में अगर आप ऑपोजिट करें तो ऐसे आ जाएगा. तो यहाँ पे देखें पी क्यू आर, इसका एंगल हमने जो यहाँ पे आना है ये फाइंड करना है. ठीक है, और दूसरा एंगल है क्यू आर एस, ये वाला एंगल. इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करूँ तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री. ये एंगल हमारे पास गिवन है 90 डिग्री, प्लस ये आपने एज इट इज़ लिख देना है पी क्यू आर. ठीक हो गया, ओके. नेक्स्ट है जी 180 डिग्री, आपके पास वैसे ही आ जाएगा. हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है हम उसको सेपरेट कर देते हैं. यहाँ पे 90 डिग्री तो इसके साथ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा. मतलब मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. अगर आप 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 90 डिग्री, और ये है हमारे पास आंसर एंगल पी क्यू आर का. मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है एंगल पी क्यू आर का वो है 90 डिग्री. तो यहाँ पे भी हमारे पास इस टाइप का, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और अगर आपके पास इस बॉक्स के फॉर्म में हो तो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री ही है. तो ये हो गया आपके पास आज इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें मसला हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें. थैंक यू.